हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे आगे के लेक्चर्स देखेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होती है। ओके, नाउ विल सी कि अगर मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मुझे सीरियलाइजेबिलिटी अचीव करनी है, ठीक है, तब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास में तीन तरीके हैं जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव कर सकती हूँ। इससे क्या होएगा, आपकी कॉन्करेंसी कंट्रोल होगी और फिर जो आपका पूरा ट्रांजैक्शन शेड्यूल है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। होता क्या है कि सीरियलाइज, जब आपका दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, एक सीरियल होता है एक पैरेलल होता है, तो सीरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि एक ट्रांजैक्शन आया, वो पूरी तरह से कंप्लीट किया, उसके बाद में सेकंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, जब कॉन्करेंटली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको इरेडिकेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, कुछ रूल्स यूज़ करते हैं। एक होता है लॉग बेस्ड, टाइम स्टैम्प एंड वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। इसमें लॉग और टाइम स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम स्टैम्प के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये भी टाइप ऑफ आपका लॉकिंग के अंदर ही आता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, लॉकिंग के ही एक कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होते हैं। तो विल स्टार्ट विथ लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। तो देखिए, एज नेम सजेस्ट, लॉग बेस्ड क्या होएगा कि अगर एक ट्रांजैक्शन मेरी आ रही है, ठीक है, और पैरेलली मेरे पास और भी दूसरी ट्रांजैक्शंस उसी मोमेंट पे आ गई, तब मैं क्या करूँगी, मैं दूसरे ट्रांजैक्शंस में कुछ लॉक लगा दूँगी, जिससे कि जो ट्रांजैक्शन पहले आई है वो कुछ काम कर रही है तो लेट वो फिनिश हो जाए। उसके बाद में क्या होएगा, फिर मैंने लॉक रिलीज़ किया और दूसरे ट्रांजेक्शन्स को दे दी, ठीक है। इट डिपेंड्स प्रायोरिटी के भी ऊपर में कि प्रायोरिटी क्या है। अगर दूसरी ट्रांजेक्शन बोलती है नहीं मुझे चाहिए लॉक, तो आप पहले क्या करोगे कि उसे लॉक कर दोगे, वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, तब तक दूसरे ट्रांजेक्शन्स क्या करेंगी, वेट करेगी। तो उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, लॉक बेस्ड टू अचीव कंसिस्टेंसी आइसोलेशन इज इम्पॉर्टेंट। लॉकिंग इज द सिंपलेस्ट आइडिया टू अचीव आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक अकाउंट है, उस अकाउंट पे दो जन क्या करना चाहते हैं, उसको रीड करना चाहते हैं, तो आप रीड तो करने दोगे, लेकिन बाय चांस अगर एक जन बोलता है कि मुझे उस अकाउंट पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो व्हाट यू विल डू, आप उसमें एक लॉक लगा दोगे कि जो प्रीवियस पर्सन है जो उसे रीड कर रहा था वो उसे रीड ना कर पाए, नहीं तो वो क्या करेगा, वो डर्टी रीड कर लेगा। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पीपल जो भी इसमें वर्क करेंगे तो उसी को ही वो क्या करेगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन वाला उसको पढ़ लेगा, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, डर्टी रीड की। तो ये चीज़ों को हमको इरेडिकेट करना है। तो देखिए, टू अचीव कंसिस्टेंसी आइसोलेशन इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्टली पुट अ लॉक ऑन द आइटम, परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन एंड देन अनलॉक इट। ये बेसिक इसका फंक्शन है कि आप क्या करोगे, एक ट्रांजैक्शन में लॉक लगाओगे, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उसके बाद में उसे अनलॉक कर दोगे, ठीक है। टू प्रोवाइड बेटर कॉन्करेंसी विद आइसोलेशन वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स। कौन कौन से लॉक हम यूज़ करते हैं, दो तरह के लॉक होते हैं, एक तो होता है शेयर्ड लॉक और एक एक्सक्लूसिव लॉक। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल एनी ट्रांजेक्शन कैन नॉट रीड और राइट डेटा अंटिल इट एक्वायर्स एन अप्रोप्रिएट लॉक ऑन इट, ठीक है। जब तक आप एक लॉक नहीं लगाओगे तब तक आप रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ये एक रूल है, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल, ठीक है। तो शेयर्ड लॉक क्या होता है, शेयर्ड लॉक का मतलब ये होता है, इट इज़ रीड ओनली लॉक, ठीक है। इसको इस तरह से मत समझिए, देखिए वन सेकेंड, ओके, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव। देखो, शेयर्ड लॉक क्या बोलता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन रीड करना चाहता है, ओनली रीड, ओनली रीड, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे एक शेयर्ड लॉक दे दूँगी, ठीक है। शेयर्ड लॉक को आप कैसे डिनोट करोगे, एस ब्रैकेट के अंदर जिस भी डेटा आइटम पे आप लॉक दे रहे हो, ठीक है, इसे कहोगे शेयर्ड लॉक। अगर सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है किसी डेटा को, कोई ट्रांजैक्शन आए हैं दो तीन, उसमें एक ट्रांजैक्शन बोलता है मुझे सिर्फ रीड करना है, तो हम उसको क्या दे देंगे, शेयर्ड लॉक दे देंगे, ठीक है, शेयर्ड।
कोई ट्रांजैक्शन बोलती है मुझे रीड प्लस राइट बोथ आई हैव टू परफॉर्म, तब हम क्या देंगे उसको एक्सक्लूसिव लॉक। तो एक्सक्लूसिव को आप एक्स से डिनोट करते हो, एक्स। ओके एक्सक्लूसिव, ये एक छोटा सा डिफरेंस है बस ये दोनों में। सेम चीज आपकी लिखी हुई है यहाँ पे पीपीटी में, शेयर्ड लॉक इज द रीड ओनली लॉक, इट इज अ शेयर्ड लॉक, द इन अ शेयर्ड लॉक द डेटा आइटम कैन ओनली रीड बाय द ट्रांजेक्शन। उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। वो सिर्फ रीड कर सकता है उन डेटा को। डिनोट कैसे करोगे, शेयर्ड ऑफ जो भी आपका डेटा आइटम है वो। परफॉर्म ओनली द रीड ऑपरेशन, अदर ट्रांजेक्शन्स कैन ऑब्टेन द सेम लॉक ऑन द सेम डेटा एट द सेम टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक कोई डेटा आइटम है एक्स, ठीक है, उसको मैंने रीड ऑपरेशन के लिए वो रीड लॉक दे दिया, शेयर्ड लॉक दे दिया, तो मैं वही शेयर्ड लॉक जो है ना वो मैं दूसरे ट्रांजेक्शन्स में भी दे सकती हूँ फॉर द सेम डेटा आइटम। सेकेंड जो अपना दूसरा डेटा आइटम है उसमें तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि ये ट्रांजेक्शन टी वन है, ये टी टू है, ठीक। तो अगर टी वन को मैंने शेयर्ड लॉक दिया है ए पर, ठीक है, टी टू बोलता है मुझे शेयर्ड लॉक चाहिए बी पर, नो प्रॉब्लम, आप इसको ग्रांट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग डेटा आइटम पे वर्क कर रहे हैं ना। लेकिन अगर टी टू बोलता है कि मुझे शेयर्ड लॉक चाहिए ए पर, ए पर ही चाहिए मुझे शेयर्ड लॉक, वन सेकेंड, ए पर, तो क्या आप उसे ग्रांट करोगे, यस हम इसे दे सकते हैं अभी, यस शेयर, क्योंकि शेयरिंग में हम करते क्या, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं ना, रीड ओनली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप राइट करते हो तो वहाँ पे आप नहीं दे सकते, ठीक है। राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन द ट्रांजेक्शन्स बिकॉज वेन द ट्रांजेक्शन होल्ड्स अ लॉक देन इट कांट अपडेट द डेटा ऑन द डेटा आइटम, ठीक है। अगर इसने शेयर लॉक रखा है इसमें, ठीक है, तो कोई और वैल्यू आके इस पे अभी राइट नहीं कर सकती, ठीक है। उसको राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये शेयर लॉक को रिलीज़ करना पड़ेगा, ये अनलॉक करना पड़ेगा, तभी वो उस पे क्या कर सकते हैं, अपडेट या राइट कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई दो ट्रांजेक्शन्स हैं, किसी का जॉइंट अकाउंट है आप ये कह सकते हो, ठीक है, और दोनों क्या करना चाहते हैं, किसी अकाउंट बैलेंस को रीड करना चाहते हैं, मेरी नाम का अकाउंट बैलेंस है समझो, उसको रीड करना है, ठीक है। तो लेट देम रीड बाय प्लेसिंग द शेयर्ड लॉक, शेयर्ड लॉक लग गया तो वो रीड कर सकते हैं, ओनली रीड, शेयर ऑफ कोमल ये वाला लॉक। बट एट द सेम टाइम इफ अनदर ट्रांजेक्शन वॉन्ट्स टू अपडेट, अगर वो अपडेट करना चाहता है, क्या लगा के, एक एक्सक्लूसिव लॉक को लगा के, तो क्या आप उसे अलाउ करोगे क्या, नहीं। क्यों नहीं, सबसे पहले रीडिंग होएगी, ओके जो शेयर्ड लॉक वाला है वो पहले क्या करेगा, रीड करेगा। जब वो वैल्यू को रीड कर लिया ना, उसके बाद में अगर कोई और ट्रांजेक्शन आकर बोलती है कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए सो दैट आई कैन राइट और अपडेट ऑन ए, तब आप उसे अलाउ करोगे। लेकिन उसके पहले ये वाला आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाना चाहिए, अनलॉक हो जाना चाहिए। कैसे होता है, क्या होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल से हम समझते हैं उस चीज़ को। एक बार एक्सक्लूसिव लॉक को भी देख लीजिए। एक्सक्लूसिव लॉक क्या बोलता है, द डेटा आइटम कैन बी बोथ रीड एज वेल एज राइट बाय द ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन आई है वो कहती है कि मुझे पहले डेटा आइटम को रीड करना है, उसके बाद मुझे उसमें कुछ अपडेट्स करने, तब आप क्या करोगे, आप शेयर्ड लॉक दोगे क्या, नहीं। शेयर्ड लॉक देने से क्या होगा, वो सिर्फ रीड कर पाएगा, वो राइट नहीं कर पाएगा उस ट्रांजेक्शन में, कुछ अपडेट्स नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम जो सेकेंड लॉक होता है एक्सक्लूसिव लॉक, ये अप्लाई करते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब क्या होता है, अगर मैंने किसी ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक कर दिया है, ठीक है, तो वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। वो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, वो अनलॉक करेगी, और जब वो अनलॉक करेगी उसके बाद ही कोई और ट्रांजेक्शन अगर रिक्वेस्ट कर रहा है किसी लॉक के लिए तो उसे मिलेगा, नहीं तो उसे नहीं मिलने वाला। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो शेयर्ड लॉक था, शेयर में हम क्या कर रहे थे, अगर एक ट्रांजेक्शन शेयर्ड लॉक रखा है, दूसरी ट्रांजेक्शन भी बोलती मुझे भी शेयर करना है, मुझे भी सिर्फ रीड करना है, तो आप उसको क्या कर रहे थे, अवेलेबल करा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं होता, अगर एक्सक्लूसिव में एक जन रीड और राइट कर रहा है तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो
कंप्लीट ना हो बट ऑन द सेम डेटा आइटम, ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि सेम डेटा आइटम पे ही बात हो रही है। अगर डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं आपके ए और बी है, दोनों का एक्सक्लूसिव चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएगा, पर अगर उसी आइटम पे दोनों का एक्सक्लूसिव चाहिए तो नहीं मिलेगा। उसके लिए कंपैटिबल टेबल होता है जिसको हम पढ़ेंगे अभी। देखिए एक्सक्लूसिव में क्या होगा, द डेटा आइटम कैन बी बोथ रीड एज वेल एज राइट बाय द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैन परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, एनी अदर ट्रांजैक्शन कैन नॉट ऑब्टेन, ये इंपॉर्टेंट, कोई अदर ट्रांजैक्शन कैन नॉट ऑब्टेन द शेयर लॉक और द एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लॉक नहीं मिलेगा। दिस लॉक इज एक्सक्लूसिव एंड इन दिस लॉक मल्टीपल ट्रांजैक्शंस डू नॉट मॉडिफाई द सेम डेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आके सेम डेटा को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव लॉक दिया हुआ है। ये डिनोट होगा आपका एक्स। ओके, क्या होता है विल सी। अब देखिए एक कंपैटिबिलिटी टेबल होती है, ठीक है, जिस पे हम वर्क करते हैं। पहले वो ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए समझो ये मेरे पास रीड ऑफ ए है, ठीक है, तो इस पे मैं क्या दे सकती हूँ उसको, शेयर्ड लॉक। ठीक है, शेयर्ड लॉक दूंगी और उसके बाद में इसको मैं क्या करूँगी, अनलॉक कर दिया मैंने। ठीक है, उसने रीड किया और फिर अनलॉक कर दिया। ट्रांजैक्शन टी टू आई जो कि रीड और राइट दोनों करना चाहती है, इनको क्या करूँगी मैं, उसके बाद में एक्सक्लूसिव लॉक ग्रांट कर दूंगी, लेकिन कब करूँगी, जब ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, शेयर्ड लॉक जब अनलॉक होएगी उसके बाद ही मैं इसे एक्सक्लूसिव दे सकती हूँ। अगर मैंने एक्सक्लूसिव शेयर्ड के साथ में दे दिया तो क्या दिक्कत हो सकती है, अगर इसने कुछ चीज़ अपडेट की है तो ये क्या रीड करेगा, इसकी अपडेटेड वैल्यू को ही रीड करेगा ना। ठीक है, और हो सकता है कि ये पहले जाके कमिट हो जाए, ये बाद में जाके फेल हो जाए, है ना, फेल होने के बाद ये रोल बैक कर देगा, तो इसने क्या रीड किया ये तो पता नहीं चलने वाला। तो वो चीज़ पता करने के लिए और उस चीज़ को रोकने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इसे ही रोकने के लिए हम क्या कर बोलते हैं कि रीड, अगर आपको सिर्फ रीड करना है ना तो आप शेयर्ड लॉक ले लो। ठीक है, आपको रीड और राइट दोनों करना है तो आप एक्सक्लूसिव ले लो, पर पहले शेयर्ड को अनलॉक होने दो, उसके बाद में आप एक्सक्लूसिव लो, इसको वर्क करो, इसको आप कमिट करके अनलॉक कर दो, फिर जो भी फर्दर ट्रांजैक्शंस आएंगी वो वर्क कर सकती है। तो ये कंपैटिबल टेबल जो होता है, कंपैटिबिलिटी टेबल, इसमें क्या चीज़ें होती है, देखिए एक तरफ रहेगा ग्रांट करना, एक तरफ है रिक्वेस्ट। ठीक है, ग्रांट एंड रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल, और दो ही चीज़ों पे ये वर्क करेगी, कौन कौन सी, एक होता है शेयर्ड, एक होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक होगा शेयर्ड, एक होगा एक्सक्लूसिव, राइट। अब देखो अगर शेयर्ड है किसी डेटा पे, कोई ट्रांजैक्शन में अगर कोई डेटा आइटम पे शेयर्ड लॉक लगा हुआ है, तो क्या हम अगर कोई और ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करती है शेयर्ड के लिए तो उसको दे सकते हैं क्या, यस। ठीक है, एक शेयर्ड है दूसरा एक्सक्लूसिव है, मिलेगा क्या उसको, नहीं। डर्टी रीड प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्सक्लूसिव ने आके कुछ अपडेट कर दिया तो जो अपना शेयर करके रखा है वो क्या कर रहा है, वो अपडेटेड वैल्यू को ही पढ़ लेगा, तो अगर वो पहले कमिट हो गया और ये फेल हो गया तो ये दोनों क्या कर देंगे, रोल बैक हो जाएगा और वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर एक्सक्लूसिव है तो आप शेयर दे सकते हो, नो। ये कंपैटिबिलिटी टेबल आपको याद रखना है, अगर किसी ट्रांजैक्शन के किसी डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो क्या मैं उसे एक्सक्लूसिव लॉक दे सकती हूँ, नहीं। कोई और ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा, वो कितना भी रिक्वेस्ट करे, जब तक कि ये क्या ना करे अनलॉक, अनलॉक करने के बाद में यू कैन गेट। ठीक है, तो ये है हमारा शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक का बेसिक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि शेयर्ड मतलब क्या होता है, रीडिंग, एक्सक्लूसिव इज रीड एंड राइट, शेयर पे शेयर आप दे सकते हो सेम डेटा आइटम पे। देखो डिफरेंट डेटा आइटम की बात ही नहीं करना है,
क्योंकि उनको सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम आती है सेम डेटा आइटम पे। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ उसी की ही बात करते हैं। दूसरा चीज़, शेयर्ड पे एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव पर शेयर नहीं मिलेगा और एक्सक्लूसिव पे एक्सक्लूसिव भी नहीं मिलेगा। मतलब ये दोनों क्रॉस है, यहाँ पे ये बस आपका करेक्ट है। ठीक, आपको सिर्फ रीड करना है तो शेयर ले लो, और रीड और राइट दोनों करना है तो एक्सक्लूसिव ले लो। ओके, अब देखिए इसको यूज़ करने पर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, दीज आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फॉर यूजिंग शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स। नॉर्मल आप अगर लॉक लगाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्या आती है, सीरियलाइजेबिलिटी अचीव नहीं होगी, आपका जो डेटा है वो रिकवरेबल नहीं होगा, डेडलॉक प्रॉब्लम आएगी और स्टार्वेशन की भी प्रॉब्लम आएगी। क्या है, हम ये चारों को एक एक बार देखते हैं कि ये कैसे आती हैं। ठीक है, इन्हें सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम 2PL यूज़ करेंगे, स्ट्रिक्ट 2PL को यूज़ करेंगे, रिग्रेस 2PL यूज़ करेंगे। तो जब वो लॉकिंग मेथड्स हैं, ये लॉक्स के ही अंदर में आते हैं, तो वो मेथड को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन नॉर्मल आप शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लगा दोगे ना, तो अगर कॉन्करेंसी है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स पैरेलली अगर आ रहे हैं, तो फिर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। विल सी वन बाय वन। फर्स्ट, सीरियलाइजेबिलिटी, इसमें कैसे प्रॉब्लम आती है ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांजेक्शन आया आपके पास में, रीड और राइट। ठीक है, रीड और राइट दोनों करना है तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको एक्सक्लूसिव लॉक ग्रांट कर दिया। ओके, जी इज फॉर ग्रांट। ओके, मैंने ग्रांट कर दिया उसको एक्सक्लूसिव लॉक। उतने में क्या हो रहा है, T2 आई, उसने कहा मुझे रीड करना है, तो आप इसको रीड करने दोगे क्या? नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, तू वेट कर। ओके, रिक्वेस्टिंग फॉर शेयर्ड ऑपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उतने में T1 वापस से आ गई, इसने क्या बोला, मुझे चाहिए लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए बी पर। तो बी पर हम दे सकते हैं, बिल्कुल मिल सकता है, बी है। ठीक है, डिफरेंट डेटा आइटम है तो एक्सक्लूसिव लॉक मिल सकता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया। ओके, अब ये आपका क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। परफॉर्म होने के बाद में यहाँ पे ये आपकी अनलॉक हो गई, समझो इस जगह पे आके ये अनलॉक हो गई, और अनलॉक होने के बाद में इसको क्या मिल गया, आपका शेयर्ड लॉक मिल गया। ओके, ये अनलॉक हो गई और इसको मिल गया अपना शेयर्ड लॉक। इसने अपना वर्क किया कंप्लीट, जो भी है इसने अनलॉक किया। ठीक है, उसके बाद में जो भी है, ये तो अपना परफॉर्म करके बाद में अनलॉक हो ही जाएगा, इसको जब भी अनलॉक होना है ये। तो इफ़ यू विल सी, यहाँ पे सीरियलाइजेबिलिटी अचीव नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों, अ लूप, यहाँ पे एक लूप बन रहा है, पहले ये हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ, फिर ये हो गया परफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा एक लूप बन गया। ठीक है, तो लूप में आपकी सीरियलाइजेबिलिटी होती है क्या? नो। नो सीरियलाइजेबल। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, आपका एक लूप आ गया। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है इसमें सीरियलाइजेबिलिटी। अब देखो, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक में आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि पहला प्रॉब्लम कैसा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट कंसिस्टेंट, ये क्या नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है, मतलब अभी तक ये अचीव नहीं हुई ये प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए ये क्या है। जब दो बार देखोगे वीडियो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। ओके, ये है आपका सीरियलाइजेबल वाली प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, इररिकवरेबल। इररिकवरेबल क्या बोलती है, देखिए समझो, शेड्यूल में दो ट्रांजेक्शन्स आ गए, T1 एंड T2। ठीक है, पहले T1 आई, इसने कहा मुझे एक्स डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, क्योंकि मुझे रीड एंड राइट दोनों करना है। ओके, ठीक है, ये आई, इसने इसको हमने क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया। ओके, इसको क्या बोल रहे हैं, वेट कर,
अभी नहीं मिलेगा, वेट कर जब तक कि ये ना करे। जैसे ही इसने अनलॉक किया, हमने क्या किया, इसको वैल्यू दे दी। कौन सी? इसको दे दी समझो हमने शेयर्ड लॉक, ठीक है, शेयर्ड दे दो, एक्सक्लूसिव दे दो, व्हाटएवर, ठीक है। इसने रीड किया, ये जो भी इसने रीड किया, रीड करके ये क्या हो गई, कमिट हो गई, ठीक है। आगे जाके इसने कमिट कर दिया, कमिट कर, ये चली रही है, ये सिर्फ अनलॉक हुई है ना, या इसने अभी कमिट नहीं किया है, ये सिर्फ अनलॉक हुई है। इसने अपने ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए बाकी के, और यहाँ पे जाकर ये हो गई फेल। तो फेल होने पर ये क्या करेगी, रोल बैक, ये क्या हो गई आपकी, रोल बैक हो गई वैल्यूज, ठीक है। ये तो रीड होके कमिट हो गई थी ना, उसके बाद में ये फेल हुई है, तो इसने क्या रीड किया, नहीं पता क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे कुछ राइट किया था, बहुत पहले इसने यहाँ पे कुछ राइट किया था, उसी राइट को इसने पढ़ा है, ट्रांजैक्शन T2 ने वही राइट को पढ़ा है ना, जैसे जब जस्ट जो ये अनलॉक हुआ है उसके जस्ट पहले का जो राइट था, अपडेट हुआ था, उसी को ये T2 ने क्या किया, पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो T2, इसने इसको पढ़ा जैसे ही, ठीक है, इसने पढ़ा, कुछ भी ऑपरेशन तो इसमें परफॉर्म नहीं कर सकता वो, क्योंकि शेयर्ड लॉक है, एक्सक्लूसिव अगर ले लेता है वो, ठीक है। तो उसने यहाँ पे कुछ कुछ परफॉर्म कर दिया, जाके वो कमिट हो गया। कमिट होने के बाद में क्या हो गया, ये ट्रांजेक्शन आपकी फेल कर गई, फेल होने के बाद में वो रोल बैक हो गई, मतलब जो पहले कोई वैल्यू थी वो वैल्यू पे चले गया वो, ठीक है। और तो इसने क्या रीड किया, ये आप बता सकते हो क्या? नहीं। यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आती है, डर्टी रीड प्रॉब्लम, यही होती है आपकी डर्टी रीड की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस वैल्यू को रीड कर रहा है जो कोई मतलब की नहीं है, ओके। तो ये अब ये डेटा क्या आपका उसका रिकवर होएगा क्या, नहीं होगा रिकवर, ये क्या हो गया, इररिकवरेबल हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम आई आपकी इररिकवरेबल की, ठीक है, कि आपका जो भी डेटा इसने पढ़ा था वो कहाँ चले गया, वो तो कहीं भी चला गया है ना, नहीं मालूम कहाँ गया, तो वो क्या हो गया आपका, इररिकवरेबल हो गया, अब वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम इन शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक। फॉर एनी डाउट्स, बार बार आपको मैं बोल रही हूँ, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, थर्ड इज डेड लॉक। अब देखिए डेडलॉक की प्रॉब्लम आपको पता ही होगी क्या होती है, कि अगर ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठ जाते हैं फॉर इनफाइनाइट टाइम। डेडलॉक मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज होल्ड फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम के लिए आपकी रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे। जैसे कि समझो ट्रांजैक्शन T1 आई, ठीक है, उसको रीड एंड राइट करना था, उसने एक्सक्लूसिव मांग लिया, ठीक है। उतने में ट्रांजैक्शन T2 आई, उसको रीड एंड राइट करना था कोई B पे, ठीक है, कोई और डेटा आइटम पे करना था, तो हमने उसको एक्सक्लूसिव दे दिया B पर। नाउ T1 यहाँ पे कुछ वर्क की, उसके बाद उसने कहा कि मुझे एक्सक्लूसिव B पर चाहिए, ठीक है, बी डेटा आइटम पे मुझे भी एक्सक्लूसिव चाहिए। तो इसको देखो, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया समझो, ग्रांट कर दिया, इधर भी इसको क्या मिल गई, वैल्यू ग्रांट हो गई, ठीक है। इसको मिलेगी क्या वैल्यू, नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, वेट, क्यों, बिकॉज समवन एल्स इज होल्डिंग योर रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब एक्सक्लूसिव लॉक्स जो है वो किसी को दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सेम चीज़ T2 आई, उसने कहा कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यू ऑल्सो वेट, क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्या करके रखा है, इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो इसने होल्ड किया ये वाले के लिए, और इसको होल्ड किया इस चीज़ के लिए, ये चीज़ हो गई यहाँ पे, यहाँ पे आ गई दिक्कत। इसी को, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं डेड लॉक। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये बोल रहा है कि तू अपने रिसोर्सेज छोड़, है ना, एक्स ए का जो T1 का जो एक्स है उसको बोल रहा है तुम अपने रिसोर्सेज छोड़ो क्योंकि मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए ये भी वेट कर रहा है, वो अपना वर्किंग कर ही रहा है।
यहाँ पे क्या हो गया, ये बोलेगा कि तुम इसको छोड़ो क्योंकि मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक डेडलॉक आकर हो गया, यहीं पे आपका आता है डेडलॉक की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि एवरी ट्रांजेक्शन इज होल्डिंग अनदर रिसोर्सेस, ठीक है, और जो दूसरा है इसलिए उसको क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। तो ये क्या बन जाता है आपका, एक इनफाइनाइट टाइम के लिए हो जाता है ऐसा, कि रिसोर्सेज आपके होल्ड हो जाते हैं फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी डेडलॉक की। तो डेडलॉक प्रॉब्लम भी जो है ये भी आपका सिर्फ शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक से ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। इसके लिए हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने पड़ते हैं जिससे आपके डेडलॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्या होएगा मैं बताऊंगी उसको नेक्स्ट में, उसके लिए क्या रूल्स लगते हैं वो। नेक्स्ट फोर्थ इज स्टार्वेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्वेशन एंड डेडलॉक? बोथ आर द सेम थिंग, सिर्फ रीजन ये है कि इसमें जो होल्डिंग ऑफ रिसोर्सेज है होल्डिंग ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। एक इनफाइनाइट टाइम के लिए आपको रिसोर्सेज होल्ड नहीं करना रहता है, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए करना पड़ता है, ठीक है। डेडलॉक में क्या होता है, इनफिनिटली वो एक लूप में चला गया, ठीक है, वो रिजॉल्व नहीं होगा। उसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक बार सिस्टम को ऑफ करो, ऑन करो, उसके बाद में फिर वर्किंग चालू करो, ठीक है। लेकिन स्टार्वेशन में क्या होएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल चार ट्रांजेक्शन हैं, T1, T2, T3 एंड T4। तो सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन आया T2, उसने कहा कि मुझे रीड ऑफ ए पे क्या चाहिए, एक शेयर्ड लॉक चाहिए। तो देखो हमने उसको शेयर्ड लॉक दे दिया, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। उतनी देर में T1 आ गया, T1 ने कहा कि मुझे रीड एंड राइट दोनों करने, ट्रांजेक्शन पे रीड एंड राइट दोनों करना है, तो हम इसको क्या देंगे, एक्सक्लूसिव लॉक देंगे। तो दे सकेंगे क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर्ड पे एक्सक्लूसिव नहीं मिलता, ठीक है, शेयर्ड पे एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वेट करो, ओके, वेट फॉर इट। और इसको क्या बोलेंगे कि ओके ये है, अभी ये वर्क कर ही रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। नाउ ये जस्ट अनलॉक होने ही वाला था, यहाँ पे जस्ट अनलॉक होने वाला था, कि अनलॉक होने के पहले में ही एक ट्रांजेक्शन आ गई T3, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन T3 ने क्या कहा कि मुझे भी एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे भी शेयर्ड लॉक दे दो उसी डेटा आइटम पे। तो आप इसको शेयर्ड लॉक दे दोगे क्या? यस, ग्रांट, शेयर्ड लॉक इज ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि शेयर्ड पे शेयर्ड दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर T1 जो T2 जो है वो शेयर्ड लॉक ली है, तो T3 को भी वो क्या कर देगी, शेयर्ड लॉक दे देगी। ओके नाउ ये वर्क कर रहा है, ये खत्म ही होने वाला था कि T4 आ गया, ठीक है। T4 ने कहा मुझे भी शेयर्ड लॉक चाहिए, मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेम डेटा आइटम पे। तो हमने क्या किया, इसको भी शेयर्ड लॉक दे दिया। अब ये वर्क कर रही है अपना, ये वर्क कर रही है, उसके बाद में आगे जाके ये दोनों को जब भी अनलॉक होना है ये हो जाए। लेकिन इनके वर्किंग से यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव को वेट करना पड़ गया, ठीक है। उस वो क्या हो गया आपका, इनफाइनाइटली तो नहीं, लेकिन फिर भी एक लंबे टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ गया ना, वो तो T2 के बाद ही आ गया था, ठीक है। लेकिन बिकॉज उसने सॉरी बट उसने किसके लिए रिक्वेस्ट की, एक्सक्लूसिव लॉक के लिए, तो शेयर्ड पे एक्सक्लूसिव नहीं दे सकते, ठीक है, इसलिए उसको वेट करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे T3 और T4 को हमने ग्रांट कर दी जो लॉक्स थे, रीजन शेयर्ड पे उनको क्या चाहिए था, शेयर्ड ही चाहिए था, उन्हें सिर्फ रीडिंग ही करनी थी, तो इसलिए हमने उनको शेयर्ड लॉक ग्रांट कर दिया, ठीक है। और ये वे इसको वेट करना पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम होती है स्टार्वेशन की, ठीक है, कि डेडलॉक में इनफाइनाइटली रुकना पड़ता है, लेकिन स्टार्वेशन में एक लंबे टाइम के लिए ही रुकना पड़ता है, ठीक है, पूरा वहाँ तक नहीं जाएगा आपका इनफाइनाइट लूप तक। तो ये चार प्रॉब्लम्स हैं आपके जिनको हमको क्या करना है, इरेडिकेट करना है। तो अब इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2PL यूज़ करेंगे। लॉक्स के और भी डिफरेंट पैटर्न होते हैं, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव के अंदर में और जो डिफरेंट टाइप के लॉक्स होते हैं हम उनको पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये चारों प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी एक एक मेथड से खत्म होती है। विल कंटिन्यू आर लेक्चर। हमने अभी तक देखा था कि शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स क्या होते हैं,
और उसमें हमने देखा कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स आते हैं हमारे पास, क्या क्या ड्रॉबैक आया है। सीरियलाइजेबिलिटी की प्रॉब्लम आई, डेडलॉक की प्रॉब्लम आई, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम थी, और जो भी हमारा डेटा था वो इररिकवरेबल हो गया था। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये सबको हम इरेडिकेट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो लॉक प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंदर में कितने टाइप के लॉक होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। देखिए ये सबको मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही हूँ, जो थ्योरी पढ़ाने का पार्ट है, लेकिन जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसी को ही मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ाऊँगी। ये सब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज कई बार सिलेबस में ये होता है और आपको अगर थ्योरी एग्जाम्स लिखनी तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल क्या बोलता है, इट इज़ द सिंपल वे ऑफ लॉकिंग द डेटा वाइल ट्रांजैक्शन। ओके, तो दिस प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांजैक्शन टू गेट द लॉक ऑन द डेटा बिफोर इंसर्ट और द डिलीट। द सेम थिंग जो हम शेयर्ड और एक्सक्लूसिव में कर रहे थे, ये वही चीज़ है। ठीक है, क्या है कि आप क्या करो, डेटा को लॉक कर दो उसके पहले कि आपको इंसर्ट या डिलीट या फिर अपडेट करना है उस पर। ठीक है, जो हमने अभी तक शेयर्ड और एक्सक्लूसिव पढ़ा ये वही है ना। उसमें हम क्या करते थे, ट्रांजैक्शन आई, उसने रिक्वेस्ट की और हमने उसे लॉक ग्रांट कर दिया। तो ये भी वही चीज़ बोल रही है कि अगर आपको इंसर्ट डिलीट अपडेट कुछ भी करना है तो उसके पहले आप क्या करो, उस पर लॉक ले लो। ठीक है, उसके बाद में उसको अनलॉक करो, अनलॉक द डेटा आइटम आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद में ही उसे आप क्या करो, अनलॉक करो। इसको और ज़्यादा डिटेल में विल सी फर्दर। सेकेंड इज़ प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये इवेलुएट करता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं हमारे लिस्ट में, ठीक है, जिनको लॉक की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो देखेगा कि लॉक की ज़रूरत किस किस को है। टू लिस्ट ऑल द डेटा आइटम्स ऑन विच दे नीड लॉक। ठीक है, बिफोर इनिशिएटिंग एन एग्जीक्यूशन, कोई भी एग्जीक्यूशन होने से पहले वो DBMS को रिक्वेस्ट करता है कि आप पूरे लॉक्स ले लो ऑन दोज डेटा आइटम्स। ठीक है, वो डेटा आइटम पे आप लॉक ले लो, अगर पूरे लॉक्स ग्रांट हो गए उसको, ठीक है, पूरे लॉक उसको मिल गए, तो फिर ये प्रोटोकॉल क्या बोलेगा कि ओके अब आप ट्रांजैक्शन को बिगिन कर दो, स्टार्ट कर दो। लेकिन और जब ट्रांजैक्शन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप पूरे लॉक्स को रिलीज कर दो। लेकिन अगर लॉक्स जो है वो ग्रांट नहीं हुए, इफ़ द लॉक्स आर नॉट ग्रांटेड देन दिस प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांजैक्शन टू रोल बैक। ठीक है, तब आप क्या करोगे, रोल बैक कर दोगे पूरे ट्रांजैक्शन को, क्योंकि आपको लॉक अभी तक मिला नहीं है। और लॉक अगर आप एक ट्रांजैक्शन को लॉक मिल गया, दूसरा ट्रांजैक्शन भी उसी लॉक को मांगेगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ गई, इसको क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा उस ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो प्री क्लेमिंग क्या बोलता है, पहले से क्लेम कर लो कि आपके कौन कौन से डेटा आइटम पे आपको लॉक्स चाहिए। ठीक है, अब वो लॉक आपको ग्रांट हो जाएगा, आप ले लो, आप पूरा ट्रांजैक्शन कर लो, वर्क कर लो, उसके बाद में रिलीज कर दो उन लॉक्स को। ठीक है, इफ़ द लॉक्स आर नॉट ग्रांटेड, और अगर आपको लॉक्स नहीं मिलते तो आप क्या करोगे, आपका ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगा। ओके, नाउ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब देखिए दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि आपके पास में दो फेजेस हैं, एक होता है ग्रोइंग फेज, एक होता है श्रिंकिंग फेज। ठीक है, ग्रोइंग फेज का मतलब क्या है कि समझो एक ट्रांजैक्शन आई है, ठीक है, T1 आई, तो अगर T1 में आपने लॉक लगाया तो आप क्या करो, आप उसमें पहले पूरे लॉक्स लगा दो कि कौन कौन से ऑपरेशंस में आपको लॉक की ज़रूरत है, तो उसमें पूरे लॉक्स लगा दो। तो जब आप लॉक लगाओगे ना तो उसको बोलते हैं ग्रोइंग फेज। ठीक है, तो ग्रोइंग फेज से क्या होता है, लॉक ऑब्टेन होता है। ठीक है, पहले आप पूरे लॉक्स लगा दो कि आपके ट्रांजैक्शन में जितने भी ऑपरेशंस हैं उसमें किस किस में आपको लॉक की ज़रूरत है, लगा दें। नेक्स्ट होता है आपका श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज अगर आ गया उसके बाद आप लॉक नहीं लगा सकते। ओके, श्रिंकिंग फेज में क्या होएगा, यू कैन ओनली रिलीज द लॉक्स। आप पूरे लॉक को क्या करोगे, रिलीज करोगे, लेकिन लॉक को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें। तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या आ गई, दो चीज़ें आ गई, एक है आपका ग्रोइंग फेज होता है, एक श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज मतलब क्या, पहले आप लॉक लगा लो, जैसे T1 आया, दिस इज T2। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका रीड ऑफ ए,
राइट ऑफ ए, फिर से आया आपका रीड ऑफ ए, व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या करो, आप पहले एक्सक्लूसिव लॉक को ले लो, फिर यहाँ पे आप अपना शेयर्ड लॉक को भी ले लो, सब लॉक आप ले लो, उसके बाद में इनको अनलॉक करना चालू करो, ठीक है। सेम जैसे, तो जब आप लॉक्स लेते रहोगे ना, तो ये रहेगा आपका ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज, ठीक है। और जब अनलॉक करेंगे तब ये क्या हो जाएगा आपका श्रिंकिंग फेज। अब ये क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो श्रिंकिंग फेज में क्या होएगा, कैन ओनली रिलीज द लॉक बट कांट ऑब्टेन द लॉक। तो जब लॉक्स लगा रहे हो तो उसको बोलोगे आप ग्रोइंग फेज, और जब आप अनलॉक करोगे तो अनलॉक फिर क्या करोगे, पूरे ट्रांजैक्शन में जितने भी ऑपरेशंस हुए ना वो सब में आप अनलॉक करोगे फटाफट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका श्रिंकिंग फेज, समथिंग लाइक दिस पिरामिड पैटर्न। जब लॉकिंग कर रहे हैं तो ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज, ठीक है। ट्रांजैक्शन आप कोई सा भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप रीड राइट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, रीड और राइट भी कर सकते हो, चाहो तो सिर्फ रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो, ठीक है। जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, जिस भी डेटा आइटम पे करना है, ए बी सी डी एक्सेट्रा, ठीक है, तो सब ट्रांजैक्शंस में आप परफॉर्म कर सकते हो बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन इन बोथ ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेजेस। तो व्हाट दिस इंश्योर, इट इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 2PL को यूज़ कर रहे हो तो आपकी सीरियलाइजेबिलिटी की जो एक प्रॉब्लम थी लॉकिंग में जो आ रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है इससे। और ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली कई बार पूछे जाते हैं गेट में, जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि चार ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा कि 2PL से इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो इरेडिकेट होती है, तो आप क्या बोलोगे, उसके ऑप्शन में सीरियलाइजेबल आएगा, वही आपका आंसर होगा, ओके। ये जी नेक्स्ट, ओके। द ऑर्डर ऑफ सीरियलाइजेबल इज द ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शन रीच इज द लॉक पॉइंट। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा आपका लॉक पॉइंट का। लॉक पॉइंट क्या होता है, देखिए लॉक पॉइंट का मतलब ये होता है अ पॉइंट वेयर इज फर्स्ट अनलॉक और फर्स्ट लॉक और लास्ट, सॉरी नॉट फर्स्ट, लास्ट लॉक इज परफॉर्म्ड, ओके, इज परफॉर्म्ड, ये इसको बोलते हैं लॉक पॉइंट। क्या हुआ, देखो कोई एक ट्रांजैक्शन है आपके पास में, है ना, T1 एंड T2 दो ट्रांजैक्शंस है, T1 एंड T2, ठीक है, रीड हुआ राइट हुआ फिर रीड हुआ, मतलब क्या है, ये सब में उसको क्या मिल रहे हैं, लॉक्स मिल रहे हैं, तो ग्रोइंग फेज हो गया, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर दिस रीड इसने क्या बोला, अब मैं अनलॉक करूँगा, उसने अनलॉक ए कर दिया, अनलॉक ए किया उसने, तो यहाँ से क्या हो गया इसका स्टार्ट श्रिंकिंग फेज, ठीक है। तो लास्ट लॉक उसने जहाँ किया था और फर्स्ट अनलॉक जहाँ पे किया, तो ये जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट को बोलते हैं लॉक पॉइंट, यही आपका क्या होता है लॉक पॉइंट होता है, जहाँ पे फर्स्ट अनलॉक हो या फिर लास्ट लॉक लगे, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी इज द ऑर्डर इन विच ट्रांजैक्शन रीचेस द लॉक पॉइंट, ठीक है। लॉक पॉइंट में जिस ऑर्डर से आप आओगे, पहले रीड हुआ फिर राइट हुआ फिर रीड हुआ, ठीक है, तो यही ऑर्डर क्या होगी आपकी सीरियलाइजेबिलिटी की भी ऑर्डर वही होगी, सेम, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। मे जनरेट इररिकवरेबल और कास्केडिंग रोल बैक, लेकिन इसमें बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें इरेडिकेट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे आपका डेटा क्या रिकवर होएगा क्या, इसमें नहीं होगा। कास्केडिंग की भी एक प्रॉब्लम आती है, क्या है अभी हम देखेंगे, और साथ में इसमें डेडलॉक और स्टार्वेशन की भी प्रॉब्लम इरेडिकेट नहीं होगी, ओके। तो सिर्फ 2PL अगर आप यूज़ कर रहे हो, ओनली 2PL प्रोटोकॉल, तो उसमें आपकी सिर्फ सीरियलाइजेबिलिटी ही अचीव हो पाएगी, लेकिन बाकी के जो तीन प्रॉब्लम्स थे वो तीनों प्रॉब्लम इसमें सॉल्व नहीं होते। उसके लिए क्या करते हैं, हम और स्ट्रिक्ट बनाते हैं और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाएंगे जिससे कि फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, हैव अ लुक 2PL, ठीक है।
अब इसमें आपकी सीरियलाइजेबिलिटी कैसे अचीव होगी? देखिए, दो ट्रांजैक्शंस आए आपके पास में, एक आया T1 और एक T2। ओके, एक शेड्यूल है आपके पास में S नाम का, उसमें T1 और T2 आए। पहले मैं क्या करूँगी, लॉक लगाना चालू करूँगी। तो ट्रांजैक्शन T1 आया, इसने कहा कि मुझे इस पे चाहिए एक्सक्लूसिव लॉक, मिल गया। ओके, ठीक है। उसके बाद में फिर ये भले ही ट्रांजैक्शन आ जाए, लेकिन इसको अभी कुछ भी हम अलॉट नहीं कर रहे हैं, कोई भी लॉक इसको अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये आया, इसको हम क्या बोलेंगे, तेरे को लॉक चाहिए, ले ले चल। इसको क्या दे दिया हमने, शेयर्ड लॉक दे दिया, बिकॉज ही ओनली वॉन्ट्स टू बी, ओनली वॉन्ट्स टू रीड। तो हमने क्या कर दिया, इसको एक शेयर्ड लॉक दे दिया, ठीक है। ये क्या बन रहा है, मेरा ग्रोइंग फेज है, ग्रोइंग फेज, ठीक है। इसके बाद में अब अनलॉक होना चालू होगा, ठीक है। मैंने यहां पे अनलॉक किया ए, और फिर मैंने अनलॉक किया बी, ठीक है। अब ये अनलॉक करना चालू करेगा, तो अनलॉक में कौन सा फेज आ गया मेरा, श्रिंकिंग फेज, ठीक है, श्रिंक करेगा। तो इसने पूरा डेटा अपना क्या कर लिया, पहले कमिट अमिट कर लेंगे, उसके बाद ही अनलॉक होंगे, हो सकता है उसके बिना ही अनलॉक हो जाए, ठीक है। तो पहले कैसे, पहले आप लॉक्स ले लो, उसके बाद में आप अनलॉक करना चालू करो, ठीक है। T2 आ गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, शेयर्ड लॉक दे दिया, ठीक है। उसको सिर्फ शेयर चाहिए था, उसने गया यहाँ पे कमिट अमिट किया, एंड देन अनलॉक ए वर्क करने के बाद में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ आप सीरियलाइजेबिलिटी अचीव हो रही है आपकी। कैसे हो रही है, कोई लूप नहीं बन रहा है। पहले ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, है ना। तो क्या हो गया, ये सीरियलाइजेबल है और साथ में नो लूप, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कोई लूप नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो आपका ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, T1 से T2 की तरफ जा रहा है। भाई दो ही कंडीशंस होती है ना, अगर शेड्यूलिंग में अगर दो ट्रांजैक्शंस हैं, एक T1 है एक T2 है, तो आपको यही देखना है कि ट्रांजैक्शन T1 से T2 तक जाना चाहिए या T2 से T1 की तरफ, कोई भी चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी ये जो है अचीव हो रही है ट्रांजैक्शन, पहले T1 आपका कंप्लीट हो रहा है ना भाई, जब वर्क करेगा तब तक ही लॉक रखा है ना, जैसे ही वर्क कंप्लीट हो गया क्या कर रहा है, वो अनलॉक कर रहा है, उसका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ट्रांजैक्शन T2 आया, ठीक है, हमने उसे प्रोवाइड कर दिया विथ शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, वट एवर डिमांड है उसकी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट हो गया, सीरियलाइजेबल है, मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कॉन्करेंसी कंट्रोल हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से कंट्रोल हो रही है, सही रिजल्ट दे रहा है वो, और ये आपका सीरियलाइजेबल है, क्या, 2PL। तो ये होता है पैटर्न ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज लॉकिंग का, ग्रोइंग में ग्रो करेगा, श्रिंक में श्रिंक करेगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पे भी इस चीज को समझिएगा, एक ट्रांजैक्शन T1 आया, उसने कहा मुझे शेयर्ड लॉक चाहिए, ओके, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजैक्शन T2 आया, उसने कहा यार मुझे भी शेयर्ड लॉक चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रोइंग में या फिर श्रिंकिंग 2PL में हम शेयर्ड टू शेयर दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हो आप इसको, शेयर्ड लॉक ये है ना, शेयर्ड लॉक है ना, तो शेयर्ड आप ग्रांट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, जब आपको अपडेट्स करना हो, राइट करना हो, ठीक है। फिर आया आपका ये एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए उसको बी पर, मिल जाएगा क्या, यस बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। ये मिलने के बाद में वो क्या करेगा, इनको अनलॉक करेगा, ठीक। ये अभी ग्रोइंग फेज ही चल रहा है ना, यहाँ पे ग्रोइंग फेज है, यहाँ से कौन सा फेज चालू हो गया उसका, श्रिंकिंग, यहाँ पे देखिए इसको ग्रांट कर दिए। जैसे ही अनलॉक होंगे उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको एक्सक्लूसिव लॉक किसको दिया है, डी को, ठीक है। वैसे भी दूसरा डेटा आइटम था ना ये, तो जब डिफरेंट डेटा आइटम हो तब क्या कर सकते हो, आप ग्रांट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या स्टार्ट हो गया, ग्रोइंग फेज इसका चालू हो गया लॉकिंग का, ठीक है। और जैसे ही अब लॉक के बाद इसके काम खत्म हो गए, तो अब ये लोग क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है वही वाला, अपने लॉकिंग का जो हमारा कंसेप्ट है वही यहाँ पे चल रहा है,
2PL लॉकिंग का। नाउ लॉक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट अनलॉक हो या जहां पे लास्ट लॉक हो वही होता है आपका लॉक पॉइंट। ड्रॉबैक्स, अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या ड्रॉबैक्स आते हैं। 2PL के ड्रॉबैक्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपका जो डेटा होगा वो इररिकवरेबल होएगा, रिकवर नहीं करेगा। सेकंड, कास्केडिंग की प्रॉब्लम आएगी। थर्ड इज डेडलॉक। फोर्थ इज स्टार्वेशन। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कि 2PL के हेल्प से कैसे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी ये देखेंगे। अभी तक हमने ये प्रॉब्लम किस में देखा था, सिर्फ शेयर्ड और एक्सक्लूसिव को जब हमने सिंगल में लगाया था, ठीक है, जो सिंपलिस्टिक होता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे 2PL में ये प्रॉब्लम्स हैं और फिर इसको नेक्स्ट कैसे इरेडिकेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।